तू एक बेटा है जिसने बाप को ना पहले मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में बिठा दिया। ये देखो भाई, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है लद्दाख स्पीति कर आए हैं भाई। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड भाई क्या मौसम है, बढ़िया बारिश हुई है सुबह सुबह, सामने बढ़िया क्रिकेट मैच चल रहे हैं। बने ये हमारी नई कबीर सिंह वाली वो लुक है, ऐसे गुस्सा आता है। गुस्सा करना ही हमने, मुझे बड़ा आता है गाइस। मेरा गुस्सा ना परसों किसने देख लिया था, क्योंकि ना मैं गाड़ी में जा रहा था तो 20 मिनट हो गए उसको फॉलो करते हुए, मुझे पता नहीं था उसको 20 मिनट हो गए। बट भाई साहब एकदम अचानक से ना इतनी सी जगह हो गई, राइड में एकदम बाइक घुसा दी और एक हाथ से बाइक चला रहे एक हाथ से वीडियो बना रहे। तो भैया मैं ना 15 मिनट से वीडियो बना रहा हूं। तू क्या डिटेक्टिव बना हुआ था, मैं ऐसे मत करा करो, रुक के मिल रहा है, बीच में कहीं घुस जाओगे मेरी गाड़ी में, मैं पैनिक कर। भाई कल गैस खत्म थी, आज ब्रेड खत्म है, कल क्या खत्म होगा? ये कहते हैं सारी यूनिवर्स कायनात आपके साथ होती, भूखा रखने के लिए, मेरे इस दुख के लिए। एक लाइक मुझे ना कभी कभी लगता है ये सबकी ना साजिश होती है हमें ना इरिटेट करने की, ताकि सुबह सुबह ना हमारा दिन अच्छा ना जाए। बदन भाई मजाक से हटके, मैं इंटरमीटेंट फास्टिंग कर रहा हूं, तो मैं 7 बजे लास्ट खाना खाता हूं, उसके बाद सुबह 10 बजे खाना खाता हूं, तो अप्रॉक्सिमेटली हमें 15 घंटे हो गए, उसके कारण रिजल्ट अच्छे है। आई डोंट रिकमेंड, बट अगर आपका मन है ट्राई करो, बिकॉज थोड़ा सा टफ है शुरू के। तो हेयर कट के लिए तो हम निकल गए, बट मैं अभी काफी डीएम्स पढ़ रहा था, काफी लोग बोल रहे भैया आपका मूड कैसा है वीजा को लेके। भाई देखो अब जो चीज हो गई है उस पर मैं सोचने कोई फायदा नहीं, मैंने कल पूरा दिन ट्राई करा, मैंने कोशिश भी करी कोई सोल्यूशन मिल जाए, अभी भी थोड़ी उम्मीद है कि सोल्यूशन मिल जाए। बट देन हमने आगे की प्लानिंग शुरू कर दी कि अगला हफ्ता क्या करना है, बिकॉज बहुत सारे काम है, ईयर क्लोजिंग है भाई, बहुत दिमाग खराब हुआ है। एंड अभी घर वालों को कन्विंस कर रहे ट्रिप पे चलो, बिकॉज यार थोड़ी बहुत बर्फ अभी भी बची हुई है, एंड बर्फ का तो भाई दीवाना है, तो लेट्स सी मनाली या फिर हम स्पीति की साइड निकल सकते हैं। भाई बढ़िया सर, रिलैक्सिंग है, हेयर कट, हैंड मसाज सब हो गया, एंड ऐसा ना लग रहा है कि हम 5 साल पहले जा चुके। टू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कैसा लगा है। देन आज एक गुड न्यूज है, इसलिए हम पूरा तैयार हो रहे हैं, एंड गुड न्यूज के लिए पूरी फैमिली साथ जा रही है, तो भाई इट इज गोइंग टू बी वेरी नाइस, एंड फाइनली अपना एक और ड्रीम पूरा हो जाएगा। देखो ये भी कोई अपना ड्रीम पूरा करके आया, अपना तो हो ही रहा है, एंड ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहा है, सो थैंक यू सो मच। तो भाई एक छोटा सा टिप है, मतलब टिप नहीं है, मैं कह रहा हूँ लाइफ लेसन है। एक ना वर्ड होता है प्रोकेस्टिनेटिंग, अब जिन लोगों को नहीं पता प्रोकेस्टिनेटिंग का ये मतलब होता है, अब सारे काम डिले करते हो यार, अभी कर लूंगा कल कर लूंगा। जब तक वो पॉजिटिव या फिर नॉर्मल है वो ठीक है, बट जैसे ही वो नेगेटिव टर्न होता है ना आपके माइंड के साथ खेलने लग जाता है, और आपके माइंड को इतना नेगेटिव बनाता है ना कि आप 100 थॉट्स के बीच में इतना इरिटेट हो जाते हो कि आप पूरा दुखी फील करने लग जाते हो, तो वो सबसे गंदी स्टेज होती है। एंड वो स्टेज ना पिछले 1-2 साल से मेरे साथ इतनी ज्यादा बार हो गई, बिकॉज इतने सारे डिसीजन के बीच में मैं इतना कंफ्यूज हो गया, जिसके कारण क्लैरिटी लूज हो गई। बट आज हम वो क्लैरिटी खत्म कर देंगे और अपना एक मेजर डिसीजन ले लेंगे। इन शॉर्ट भाई यही बोलना चाहेगा कि एक टाइम पे एक ही डिसीजन लो, एक मोमेंट पे एक ही चीज को एंजॉय करो, तभी आप एंजॉय कर पाओगे। वैसे मैं आपके थ्रू अपने आप को समझाना चाह रहा हूं, बिकॉज हम थोड़ा उस स्टेज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड स्टेज से निकलने का एक ही तरीका है, प्रॉपर एग्जांपल देने का। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। सुबह अपना शावर वगैरह हो गया, मम्मी बड़ी खुश हैं। नेचुरली बंदा बन गया, अगर आए तो ये दाढ़ी वाड़ी ना कटा के आता रुबाली रोटी भाई को। कसम से बता रहा हूँ खुद को इतना हल्का हल्का इजी सी लग रहा है ना, बट देन हमारे खाने में आज बना है पालक पनीर और छोले। एंड अब मैं डाइट से दिखा रहा हूँ, बिकॉज हम थोड़े डाइट वाला खाना खा रहे हैं, मैं रोज बटर चिकन दिखाता तो मुझे गाली पड़ती है और आप लोग भी डिमोटिवेट होते हैं। अब बढ़िया घर का खाना खा रहे हैं, हेल्दी, यू हैव नो चॉइस, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग। में गुड न्यूज़ भी तो है, तो पतला सिलेंडर में होना पड़ेगा। जब हमारा काम होता है तब कोई टाइम से तैयार नहीं होता, तो पता है कितना इम्पोर्टेंट दिन है? मुझे नहीं पता था। आपको पता है? भाव खा ली थी, भाव कम खाया कर, खाती ही रहती है पूरा दिन। बट देन अभी इनको किसी को नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ मुझे पता है, पापा को थोड़ा सा आइडिया, बिकॉज पापा को कहीं ना कहीं तो पहुंचना पड़ेगा ऑफिस से निकल के। क्या रिंग लेने जा रहे हैं? रिंग हमने पहन ली है, अच्छी नहीं बनवाई तो। हमारा टेस्ट ही अच्छा नहीं मम्मी, क्या करें, टेस्ट अच्छा है। फाइनली हम निकल चुके हैं, एंड अब हम जा रहे हैं भाई भड़कते तूफान में, मतलब तगड़ा तूफान हो रहा है। मेरी किस्मत में ना तूफान ने हमेशा अच्छा रोल ही प्ले करा है, जब भाई पैदा हुआ था तब भी तगड़ा तूफान आया था, तूफान का भी तूफान, बवंडर आया था, बवंडर, वही बवंडर लाने के लिए आज हम भी अपनी बुकिंग कराने जा रहे हैं, गाड़ी की बुकिंग कराने जा रहे हैं। हाँ अभी के लिए हम फिलहाल बुक्ड है, वारंटी जब एक्सपायर हो जाएगी तब। ये वारंटी नहीं एक्सपायर होगी,
द बॉयज मदर्स भी हैं। बहुत ही ज्यादा खर्चा होने वाला है। लतिका साइकिल का फोन खराब हो गया है, पापा साइकिल का फोन खराब सा हो रहा है, हमारा तो फूट ही गया है, तो ये महीना थोड़ा तोड़ फोड़ में निकला है, तो इसलिए नई चीजें मंगानी। माँ सेव करते रहे, तुम तोड़ फोड़ करते रहो। माँ की सेविंग कारण ही तो आज मम्मी महल बन रहे हैं। शुक्र है, थैंक यू। यार एक तो खुद आया करो, ठीक है, हम लेने नहीं आ सकते। लेने आ रहे हो? तुमने मेरे को बुलाया 15 मिनट से बारिश में खड़ा किया हुआ है। ओ, हमने बोला था गाड़ी के बाहर खड़े होने का। बढ़िया, ये तो ये ना ये पार्टीशन नीचे रखा कर। क्यों? ठीक है, ये ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बीच में कच्चा भी रख दो। हम फाइनली निकल रहे हैं। ये बारिश हो रही है, कैसे लीक तो नहीं कर रहा पानी? हर कोई स्कॉर्पियो बैठता है, स्पेशली पहली बारिश है और इतनी तगड़ी बारिश नहीं, मेरे को आई वांट टू बी, तेरी रबर बिटिंग्स ठीक है ना? हाँ पापा सब ठीक है, इसमें कोई लीकेज नहीं होने वाला। हम लोग आ चुके हैं BMW के शोरूम सबसे पहले, एंड अभी मैं पापा को दिखा रहा हूँ X7। यार मैंने ना आर्मी में खाली 3 टन 1 टन, ये भी 3 टन है, बट इसकी पावर 400 BHP। गाड़ी तो यार शॉकिंग है। सो आज हम 3 गाड़ी देख रहे हैं, X3, X5, X7, एंड आज गाड़ी फाइनल हो जाएगी। तो जो मर्जी कह लो, आज गाड़ी की बुकिंग के बिना हम नहीं जाएंगे। 2-3 वीडियोस और बनाते हैं गाड़ी की डिलीवरी को टाइम। मैंने भी डालना है ना क्लिकबेट। अभी बस ये है कि आज फाइनल हो जाएगा। सो गाइस दिस इज द X7। इसका अगर ये मान गए तो हमारा बजट थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, हम ये ले सकते हैं। बट देन ये बहुत ही ज्यादा प्यारी। मम्मी पूछी ये कितने की? 1.5। पगला गए पापा, बड़ी गाड़ी। पापा को हम फील दे रहे हैं X7 की। सो इसमें और X5 में मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि X7 में रिक्लाइन है एंड X5 में रिक्लाइन नहीं है, जिसके कारण थोड़ा कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज होगा, बट चलाने का जो मजा आएगा भाई वो X5 में आएगा, बिकॉज लाइटर है और सेम इंजन है। सही बात है यार, जब गाड़ी में बैठ जाओ ना, फिर बैठ के ऐसा लगता है कि ना यार पैसे को मारो गोली, खरीद लो। तो गाइस हम पापा को X3 में बिठा रहे हैं और मैं आप इनसे पूछ रहा हूं कंफर्ट कैसा है उससे कंपैरिजन में, बिकॉज़ X5 का इसका ना इन बिटवीन कंफर्ट है। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि पहले ना तुम्हारे को इसमें बिठाना चाहिए, फिर उसमें बिठाना चाहिए। पापा को ना X7 की फ्रंट में बिठा रहा हूं, बिकॉज़ X5 का इंटीरियर भी सेम टू सेम आएगा। से ना तू एक बेटा है जिसने बाप को ना पहले मर्सिडीज और BMW में बिठा दिया, ऐसे बेटे होने चाहिए। वो शक्ल बना रही है, मैं क्या करूँ? मैं सोच रही हूँ इतनी बड़ी गाड़ी का करना क्या है। वो जब बैठ रही थी इसके अंदर, वो ना उसको एक एफर्ट लगा योगा के बाद बैठने के लिए। तो भाई ये कुछ ऐसा इंटीरियर है, X5 का भी यही आएगा। मेरा दिल तो X5 पे आया बहुत ज्यादा। सो गाइस X7 का ऐसा कुछ बूट है। अब तो हम कश्मीर टू कन्याकुमारी भी कर सकते हैं। हम इस पे बैठ सकते हो ना? लेट सकते हैं, पिकनिक के लिए आप कहीं बैठ सकते हो आराम से। इसमें तो लेट सकते हैं यार, बैठने की क्या बात, आदमी सो सकता है। फाइनली निकल रहे टेस्ट ड्राइव के लिए। तो हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं X3, एंड क्यों कर रहे हैं? लेना पेट्रोल ही है, बट देन एक पावर का आइडिया लग जाएगा, फील का आइडिया लग जाएगा कि BMW कार्स की कैसी फील होती है पापा और मम्मी को। गाइस हम लोग बैठ चुके हैं X3 में। हमने मॉम डैड को इसलिए बिठाया था ताकि पापा को एक फ्रंट सीट का आइडिया लग जाए। दो गाड़ी बुक करा रहे हैं उसमें इट इज गोना बी वे वे बेटर। पता चल जाएगा कि इससे कम कंफर्ट नहीं हो सकता, इसका भी कंफर्ट अच्छा है, बट जो चीज हम लेंगे वो इससे मच बेटर होगा। कंफर्ट बहुत अच्छा है, मौसम सुहाना है, मैं तो सोने लगा था। शायरी निकल रही है। मम्मी कैसा लग रहा है पीछे? बहुत अच्छा। तो मेन भाई यही है, आफ्टर E-क्लास मुझे घर वालों को बिठाना है, सो दैट उनको कहीं ये ना लगे मैंने किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज करा है। एंड जितना मुझे पता भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं, स्टेप अप ही होगा। बट वो कहते हैं ना BMW कार्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस, भाई ये 190 BHP है, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि मैं जो पावरफुल वाली चीज लेने वाला वो क्या। मुबारक हो। मुबारक टू यू। मुबारक हो जी, मुबारक हो, रोज़ी मुबारक। तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी बुक हो चुकी है, अभी थोड़ा कस्टमाइजेशन वगैरह स्टार्ट होगी क्योंकि भाई अच्छी गाड़ी है। थैंक यू भैया। वो बारिश हो रही है भाई, गाड़ी गाड़ी बैठ गया। कश्मीर नहीं है, गुड़गांव है भाई। तो यहाँ मौसम बहुत तगड़ा हो गया बोले। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी बुक हो चुकी है, अभी बस कस्टमाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज हम बढ़िया कस्टमाइजेशन करने वाले हैं। वो हैंगर बढ़िया था, मेरे पास कोट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कलर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसको हैंगर की पड़ी। क्या लटकाना है तुम्हें हैंगर पे? बैग, बैग की हालत दिखाऊंगा आपको अगले ब्लॉग में, उसको ठीक कराने जाना है। सच्ची में ऐसा लग रहा है सब्जियां उठाई हैं उसके साथ। इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, मैं इनको कह रहा हूँ चाय हो, चलो आपको चाय दिलाता हूँ, पकौड़े खिलाता हूँ। तो फ्री की पिए ना, पैसे दे के पीने में ज्यादा मजा आता है। तो मैंने बुकिंग करा दी, मम्मी कहते कॉफी चाय कुछ नहीं पिलाएंगे। मैंने कहा पैसे दिए, कॉफी भी आएगी चाय भी आएगी, मेरे से चाय बनवाएंगी। चलो अभी चाय पीते हैं। मुझे पीनी है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि बारिश अचानक से हो गई है, जो बेचारे किसान होंगे जिन्हें फसल काटने का टाइम होगा उनका तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ये बारिश 3 महीने पहले दे देते हैं। खुशी का अवसर है और मौसम भी बढ़िया है, तो हमने सोचा थोड़े से अपने समोसे वगैरह पैक करा ले। मदर इंडिया को क्या क्या खाना है? मम्मी या टिक्की वाले की आगे खड़ी हो गई है, गोलगप्पे हम खाएंगे। और क्या खाना है? लतिका सकल ने बोला भेलपुड़ी अगर मिल रही है। भेल वहाँ पे हमने आलू टिक्की का ऑर्डर दे दिया, यहाँ गोलगप्पे। मम्मी कह रहे दोनों अभी मुश्किल से पतले हुए हैं।
बड़े प्यार से खिला रही हो। प्यार से नहीं खिला रही, फॉर्मेलिटी से पूछ रही। तो मैंने नहीं खाना, मैं खा के आया हूँ 5 गोलगप्पे, एक प्लेट चाट, एक प्लेट टिक्की। सैटरडे को पार्टी चलती है, सैटरडे को गए नहीं, ईयर एंड का था ना, ईयर एंड का स्टाफ का। ओ, ज्यादा कमाई हो गई है स्कूलों में, स्टाफ का ध्यान रखते हैं। ईयर एंड में जितने साल में मेहनत करी है पूरे साल, उनको एक छोटा सा प्यारा सा उनको ऑनर करते हैं। हम भी हमें भी ऑनर। आपने भाई, इन्होंने ना मुझे पूरा सिविल टैक्सी सर्विस बनाया हुआ है। क्या हो गया है यार, कोई बंदा बहाना ना, कोई अच्छा बहाना सोचता है जिससे बेटे का मन भी करे, हाँ मेरे पापा को ऊपर उतार दो। पापा को ऊपर उतारना ही चाहिए, पापा को नीचे क्यों लेके दे रहा होता है आदमी को। ड्राइवर थोड़ी क्या मुझे नीचे छुड़वाने को बोलो, दे रहा होता आदमी को डर लगता है। मुझे डर नहीं लगता अकेले। यार आप भी याद रखो, ये मक्खन मम्मी तू क्यों उतर रही है, सारे उतर रहे, मैं गाड़ी लगा रहा, मैं भी उतर जाता हूँ भाई। बेसमेंट में गाड़ी लगाने मुझे अकेले भेज देते। गुड़गांव में थोड़ी सी बारिश होती है, ऐसा लगता है कि बाढ़ ही आ गई है। अभी मैं जिम के लिए निकला हूँ, मुझे लग रहा है फिर से भाई ऑफ रोडिंग के लिए निकल गया। ये चेक कर, पूरा पानी भर गया गाइस, ऑफ रोडिंग भाई। कुछ ज्यादा ही बारिश हो गई है क्या, बसें बुसे भी बंद हो गई हैं, ऑटो भी बंद हो गए बेचारे। डेडिकेशन देख रहे हो, आज बाहर इतना पानी भरा हुआ फिर भी मैं अकेला आया हूँ वर्कआउट करने। ये छोटा सा रिकवरी वर्कआउट था, ये है कि आज अपना ना रेस्ट डे सा हो गया, बहुत लाइट वर्कआउट था। कल वैसे मैं क्रिकेट मैच था तो उसके लिए 100% रेडी होना बहुत ज्यादा। गुड़गांव में आपको कैसे पता चलेगा कि बारिश हुई है नहीं हुई है, आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। ये देखो भाई, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है लद्दाख स्पीति कर आए हैं भाई। मैं ना एक गलत रास्ते पे फंस गया था एंड इतना गंदा रास्ता था भाई, मेरे ब्लॉक करने की हिम्मत नहीं होती। मैंने सोचा गाड़ी की हालत दिखा के तो आप लोग को आइडिया लग ही जाएगा कहाँ कहाँ तक मिट्टी आई हुई है। ये चेक करें, कल इसको बढ़िया से स्पा पे लेके जाना पड़ेगा, वॉश करा के चमचमाती। एंड ये चमचमाती गाड़ी को भी वेरी सून निकालेंगे, परमानेंटली या टेम्परेरी ये पता नहीं।